आपका स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान टेक वन में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कबीर के पदों के प्रश्न उत्तर। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने कौन से तर्क दिए हैं? इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। कबीर ने ईश्वर की एकता के लिए निम्नलिखित तर्क दिए हैं। सब जगह एक ही पवन और एक ही जल है, सबसे पहला तर्क ये दिया है। दूसरा तर्क दिया है, सारा जगत एक ही ज्योति से प्रकाशित है। तीसरा तर्क है, वह परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह रहता है जो कि मूलतः एक ही है। चौथा तर्क उन्होंने दिया है, सारे भिन्न रूपों में उसी एक का निवास है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? पांच तत्व जो हैं मनुष्य के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, वो हैं अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश। तीसरा प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोय, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोय। इस पद के आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? कबीर की दृष्टि में परमात्मा मूल तत्व है, यानी सबसे मुख्य है, और वह सारे जगत में उसी का अस्तित्व है और निवास भी करता है। जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि रहती है, उसी प्रकार सभी समस्त संसार में परमात्मा रहता है। बढ़ई को हम चीर सकते हैं, बढ़ई लकड़ी को चीर सकता है लेकिन अग्नि को नहीं चीर सकता है। उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर तो नश्वर है किंतु उसके भीतर रहने वाला परमात्मा अमर है, उसको कोई भी मार नहीं सकता है। प्रश्न है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? उत्तर लिखेंगे, कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उसने अपने भीतर छिपे परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है और वह परमात्मा का सच्चा साधक बन गया है। संसार के राग द्वेष लाभ हानि मोह माया से उसे बिल्कुल भी मतलब नहीं है और वह निर्भय हो गया है। प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है? कबीर के अनुसार संसार बौरा गया है, यानी पागल हो गया है। वह सच पर विश्वास नहीं करता और झूठे ढोंगों को मानता है। वह परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करता किंतु व्रत नियम स्नान ध्यान आदि का पालन करके, कुरान पढ़ना, समाधि लगाना, पीपल पत्थर पूजना, तीर्थ करना, व्रत करना, टोपी माला तिलक ये सब पाखंड करना, वह साखी गाना, शिष्य बनाना, हिंदू मुसलमान का भेद मानना, सभी ढोंगों को बताता है परंतु सच्चे परमात्मा को नहीं जानता। कबीर की दृष्टि में ये ढोंग सब पागलपन है। प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों को की ओर संकेत किया है? उत्तर लिखेंगे, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की मुख्य कमी यह मानी है कि वे परमात्मा तत्व से कोसों दूर हैं, वे सच्चे ज्ञान को नहीं जान पाए हैं। प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? उत्तर है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य भी डूब जाते हैं और अंत में उन्हें पछताना पड़ता है। कबीर के शब्दों में गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े अंत्यकाल पछताना। प्रश्न है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्न पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। आशय यह है
कि जो लोग टोपी पहनने, माला पहनने, छाप तिलक आदि धारण करने में या साखी शब्द आदि गाने में भूले रहते हैं, वे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रश्न है, कबीर ने जग को पागल क्यों कहा है? कबीर ने जग को पागल इसलिए कहा है क्योंकि वह सच की बजाय झूठ और ढोंग पर विश्वास करता है। वह व्रत नियम उपवास आदि करने वाले ढोंगियों पर विश्वास करता है और सच्ची बातों से दूर भागता है। प्रश्न है, साच कहूँ तो मारण थ्यावे झूठे जगपतियाना से लोगों की किस प्रवृत्ति का पता चलता है? उत्तर है, इससे पता लगता है कि लोग झूठ और पाखंड को पसंद करते हैं और उन्हें सच कड़वा लगता है। वे असत्य और अज्ञान में ही जीना चाहते हैं। प्रश्न है, कबीर ने इस पद में किन किन पाखंडों का उल्लेख किया है? उत्तर लिखेंगे, कबीर ने इस पद में निम्नलिखित पाखंडों का उल्लेख किया है। प्रातःकालीन स्नान में धर्म कर्म मानना, पत्थर पूजना, आसन मारकर साधना करना, पीपल और पत्थर की पूजा करना, तीर्थ और व्रत करना, माला, टोपी, छापा, तिलक आदि लगाना, साखी और शब्द गाना, लोगों को मंत्र देना, शिष्य बनाना, कुरान आदि धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, ये सभी कर्म कबीर जी के अनुसार ढोंग हैं। प्रश्न है, कबीर के विचार में पीर औलिया भी खुदा को क्यों नहीं जान पाते हैं? उत्तर लिखेंगे, कबीर के अनुसार बड़े बड़े पैगंबर और औलिया भी संत परमात्मा को भूलकर पोथी पढ़ने, शिष्य बनाने और कब्रों की पूजा करवाने के चक्रों में उलझे हुए हैं, इस माया में फंसकर और वे खुदा को नहीं जान पाते। प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में किन लोगों को आत्मबोध नहीं हो पाता? उत्तर है, कबीर की दृष्टि में जो लोग परमात्मा को भूलकर आपसी भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति और धार्मिक पाखंडों में लगे रहते हैं, उन्हें आत्मबोध नहीं हो पाता है। जो हिंदू मुसलमान के नाम से आपस में लड़ते हैं, पत्थर पूजते हैं, समाधि लगाते हैं, स्वयं को ऊंचा साधक मानते हैं, पीपल और मूर्तियों की पूजा करते हैं, तीर्थ और व्रतों का कठोरता से पालन करते हैं, जो माला, टोपी, छापा, तिलक आदि का बाहरी दिखावा करते हैं, जो साखी और शब्द गाते हैं, घर घर में शिष्य बनाते फिरते हैं, उन्हें गुरु मंत्र देते हैं, और जो लोग कुरान पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने पर जोर देते हैं, कब्र की पूजा करते हैं, धर्म के नाम पर पशुओं का वध करते हैं, मांस खाते हैं, माया के अधीन हैं और स्वयं को बहुत ज्ञानी अहंकार मानते हैं, उन सबको आत्मज्ञान नहीं हो पाता। कबीर के धार्मिक विचारों पर प्रकाश डालिए प्रश्न है। उत्तर है, कबीर सच्चे संत थे। वे परमात्मा को एक मानते थे तथा उनके संतानों को भी एक ही मानते थे, यानी जितने भी संसार में लोग हैं सब एक हैं। उनके मन में हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं था। वे धर्म के नाम पर ढोंग